हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी स्टडी क्लास 4 क्वेश्चन आंसर लेसन 3। ओके, सो कबीर कौन सा लेसन है? लेसन 3 कबीर। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन सॉर्ट। सॉर्ट में जो है आंसर है ना, उसी को हम यहाँ पे राइट किए हैं जो हमने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट टाइम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर राइट करवाएंगे। ओके, तो आप लोग कॉपी और पेन कॉपी पेंसिल ले लीजिए और इसको जैसे राइट हुआ है वैसे आप राइट कर लीजिए। ओके, वॉट वॉज ग्रोइंग अलोंग, ये एल ए एल ओ एन जी अलोंग है, अलोंग द एज ऑफ द पोल। आंसर है ए लार्ज नंबर ऑफ लोटस। ठीक है, जो पुल के पुल पे क्या जो है बढ़ रहे थे, उसके एज पर उस पर क्या बढ़ रहे थे, ए लार्ज नंबर ऑफ लोटस, लोटस का ए लार्ज नंबर बढ़ रहा था। वॉट डिड नीमा हियर वाइल ड्रिंकिंग वाटर, नीमा जब पानी पी रही थी तो उसने क्या सुना था, ही सी हियर ए वीक क्राई। ओके, 3 है थर्ड वाला क्वेश्चन, वाई कबीर डिसाइडेड टू गो टू लर्न टीचर, क्यों टीचर से सीखने का निर्णय कबीर ने लिया। कबीर वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट अदर रिलीजन्स, क्योंकि वो अत्यधिक रिलीजन्स के बारे में जानना चाहता था। वाई डिड कबीर हैड टू स्पेंड द नाइट अंडर अ ट्री, क्यों कबीर ने पेड़ के नीचे खर्च किया अपनी रात। बिकॉज द पीपल्स डिड नॉट लेट हिम सी द स्वामी, क्योंकि जो प्यूपल्स थे वो उन्हें स्वामी से नहीं मिलने दिए। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, वो रात भर एक पेड़ के नीचे अपना रात काट दिया वहीं पे। आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, वाई वेयर सम हिंदूज एंड मुस्लिम एंग्री विथ कबीर, क्यों कुछ हिंदू और मुस्लिम कबीर से क्रोधित होते थे। बिकॉज ही सेड आई एम द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, क्योंकि वह कहते थे कि मैं बच्चा हूँ अल्लाह और राम का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, डिटेल में आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो हाउ डिड कबीर एक्सप्रेस हिज टीचिंग, अपनी टीचिंग को उसने कैसे एक्सप्रेस किया, उन्होंने कबीर ने कैसे एक्सप्रेस किया। ही एक्सप्रेस्ड हिज टीचिंग इन द फॉर्म ऑफ कंसाइज सेइंग एंड कपलेट्स, ये आपका लॉन्ग आंसर है। ओके, ये लॉन्ग है। सेकेंड है, वॉट हैपेंड व्हेन कबीर विजिटेड द आश्रम, क्या घटित हुआ जब कबीर आश्रम देखने गए। व्हेन कबीर विजिटेड द आश्रम द प्यूपल्स देयर डिड नॉट लेट हिम सी द स्वामी, वो स्वामी से मिलने नहीं दिए। ओके, यहाँ तक है आपका आंसर। इन व्हाट ऑलवेज द एम्परर ट्राइड टू पनिश, क्या तरीके से एम्परर ने कबीर को पनिश किया। द सोल्जर्स चेंड कबीर्स हैंड्स एंड फीट, उनके कबीर के हाथ और पैर टुगेदर क्या किया उन्होंने, चैन से बांध दिया। दे थ्रू हिम इन टू ए रिवर, वो क्या किए थे, रिवर में उनको रिवर में उन्हें क्या किया था, फेंक दिया था। द सोल्जर्स लॉक्ड हिम इन ए हट, हट ये क्या है, हट है। ओके, उन्हें क्या किया था, उन्होंने हट में बांध हट में छोड़ दिया था और उस पर क्या किया था, फायर लगा दिया था, आग लगा दिया था। हिम थर्ड टाइम, तीसरे समय ही ट्राइड टू किल कबीर, उन्होंने क्या किया, कबीर को मारा, मारने का प्रयास किया। ओके,
What lesson did Kabir want to teach and to whom? कबीर लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते थे, क्या सिखाना चाहते थे? वो सिखाना चाहते थे डेथ इन ए होल सिटी, होली सिटी कैन नॉट हेल्प टू रीच हेवन, ही वॉन्टेड टू टेल द पीपल, पवित्र सिटी में मरने से कोई स्वर्ग में जाने का, स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता, अगर कोई मरता है होली सिटी में तो उससे वो स्वर्ग का रास्ता वो नहीं है, ठीक है, वो हेल्प नहीं कर सकता आपको स्वर्ग में पहुंचाने के लिए। ही वॉन्टेड टू टेल द पीपल, वह लोगों को ये बताना चाहते थे कि ओनली गुड एक्शन कैन हेल्प टू फाइंड हेवन, सिर्फ अच्छा कार्य ही आपको हेवन तक ले जाने में मदद करता है, मदद कर सकता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर आप लोग अच्छे से राइट कर लीजिएगा। ओके देखिए, इसको लॉन्ग आंसर राइट कर लीजिएगा, सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं इसके, और जो शॉर्ट आंसर है इसके पूरे 1 से लेके 5 तक है, इसको आप लोग पहले शॉर्ट आंसर करिएगा उसके बाद लॉन्ग करिएगा। ओके ये आप लोग राइट कर लीजिएगा अपनी अपनी कॉपियों पे। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।